हेलो एंड वेलकम टू वाईसीज एड क्लासेस बच्चों आज हम डाल्ट लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने uh, गैलोसक्स लॉ पढ़ा था वगर ड्रोस लॉ पढ़ा था और उसके बाद हमने उससे पहले हमने एक्चुअली बॉयल्स लॉ चार्स लॉ भी पढ़ा था लेकिन मैं लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूँ इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था और उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी और उसको डिराइव भी किया था तो वहाँ पे आप जो लास्ट रिलेशन आपने आइडियल गैस इक्वेशन का पढ़ा था बेटा पी वन ठीक है आइडियल गैस इक्वेशन का पी वन पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी तो मैन गैस इक्वेशन है लेकिन लास्ट जो रिलेशन आपने पढ़ा था पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू बाई टी टू एनी हाउ मैं कह रहा हूँ आपसे कि पी वी इज़ इक्वल टू आर टी या पी वी अपाहन टी इक्वल्स टू आर जो है ये जो गैस कॉन्सटेंट हमारे पास यहाँ पे आता है द वैल्यू ऑफ़ गैस कॉन्स्टेंट इज़ द वैल्यू ऑफ गैस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एट पॉइंट थ्री वन फोर जूल पर कैलविन पर मूल ये आप याद रखेंगे ठीक है जूल पर कैलविन और पर मूल बेटा ये इंपॉर्टेंट है नमारिकल वैल्यू इसकी कहीं आपको नुमारिकल्स में जो है मैं आपको नुमारिकल्स भी करवाऊंगा गैस लॉज पे और आइडियल गैस एकेशन वगैरह पे तो ये यूज़ होती है वैल्यू तो इसलिए आप इसे याद रखें तो आज का लेक्चर हमारा है डाल्टन स् ला ऑफ प्रेशर बेटा तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्सल प्रेशर क्या है ये किस चीज़ से डील करता है ठीक है हम आज जानेंगे तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्सल प्रेशर जो है ये डाल्टन ने दिया हुआ है ठीक है एंड दिस डेल्टन डेल्टन स्लॉसेज दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द टोटल प्रेशर एग्जर्टिड बाई अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज कि जब हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं कॉन्सटेंट टेम्परेचर पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेल्टन ने ये ला दिया कि टोटल प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर एक्जट बाई अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज सपोज दैट कि हमारे पास एक कंटेनर है बेटा और इस कंटेनर में हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं सपोज़ कीजिए इसमें नाइट्रोजन गैस है हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है वगैरह वगैरह और नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस अगर हमारे पास हैं तो हमें उसका टोटल प्रेशर चाहिए वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द गैशियस मिक्सचर विच कंटेन्स मिक्सचर ऑफ़ नॉन रिएक्टिव गैसेज इन इट सो इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ़ डिफरेंट गैसेज प्रजेंट इन द मिक्सचर तो यहाँ इसका मतलब है कि जब हम टोटल प्रेशर पी टोटल जब हम निकालेंगे तो वो जो इंडिविजुअल जितने गैसेज वहाँ मिक्सचर में होंगी तो हर एक गैस का जो प्रेशर होगा हम सारी इंडिविजुअल गैसेज का प्रेशर सम करके टोटल प्रेशर को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे यही डेल्टेंस लॉ है जैसे मैं एक बार आपको फेसेस स्टेटमेंट कहता हूँ एट कॉन्स्टेंट द टोटल प्रेशर एक्सटेड बाई अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स पार्शियल मीन्स बेटा इंडिविजुअल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट इन द मिक्सचर मैथेमेटिकली लेट सपोज दैट मैथेमेटिकली आप लिखेंगे इसके बाद बेटा मैथमेटिकली लेट सपोज दैट लेट्स सपोज दैट P1, P2, P3, and P4, etc. Be the partial pressures of, be the partial pressures of, be the partial pressures of, uh, suppose that four gases present in a mixture. प्रेजेंट इन मिक्सचर सपोज करो बेटा कि मिक्सचर में चार गैसेस हैं नहीं तो पाँच छः सात भी हो सकते हैं ठीक है प्रेजेंट इन अ मिक्सचर देन देन अकॉर्डिंग टू देन अकॉर्डिंग टू डेल्टेंस लॉ देन अकॉर्डिंग टू डेल्टेंस लॉ टोटल प्रेशर टोटल प्रेशर एक्जाइटेड बाई टोटल प्रेशर एग्जाइट बाई द गैशियस मिक्सचर आर यू कैन से फोर गैशियस मिक्सर बाई द गैशियस मिक्सचर जनरली हम बता रहे हैं दैट इज दैट इज वे आर टैकिंग अबाउट दिस पी टोटल इसे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है दैट मीन्स पी टोटल टोटल प्रेशर ऑफ द गैश मिक्सचर इज इक्वल टू टेक द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द दैशस मिक्सचर सो मैंने कहा कि पी वन अगर एक गैस का प्रेशर है पी टू नेक्स्ट गैस का प्रेशर है पी थ्री नेक्स्ट गैस का प्रेशर है तो हम इन सारी जितनी गैसेज वहाँ पे मिक्सचर में बेटा प्रेजेंट होंगी तो हम उनका सम्मिशन करेंगे वहाँ पर ठीक है सपोज दैट कि मैंने अभी आपको बताया कि चार गैसेज यहाँ पे प्रेजेंट है पार्शियल प्रेशर है पी वन पी टू पी थ्री पी फोर चार गैसेज का पार्शियल प्रेशर्स है तो हम इन पार्शियल प्रेशर्स को सम करेंगे ऐड करेंगे जब हमको टोटल प्रेशर ऑफ द गैश मिक्सचर निकालना होगा और प्लस अगर और गैसेस होंगे यहाँ पे तो हम डैश 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 करके बता रहे हैं कि यहाँ जितनी गैसेस प्रेजेंट होंगी उतने गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स को हम एड करके सम करके टोटल प्रेशर ऑफ़ द गैस जो है वो कैलकुलेट करते हैं ये कहना है लॉ का चले इसके बाद यहाँ पे सपोज करें क्या बता रहे हैं कि इफ एन वन एन टू एंड एन थ्री आर द मोल्स ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस आर यू कैन से नंबर ऑफ मोल्स कि कौन सी गैस कितनी मोल्स प्रेजेंट है एंड दैट टू फिल्ड इन अ वेसल ऑफ वॉल्यूम वी वो सपोज़ करेंगे जिस वेसल में जिस कंटेनर में ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इंसर्टेड हैं उनका वॉल्यूम जो है वो वी है एट टेंपरेचर टी देन टोटल प्रेशर पी इज़ गिवन बाय तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम टोटल प्रेशर पी को पी टोटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं पी वी इज इक्वल टू जैसे मान लीजिए गैस इक्वेशन के हिसाब से हम इसको बता रहे हैं तो फिर अगर एन टू ए, एन वन एन टू एन थ्री नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस और वो भी फिल्ड हैं एक वेसल में जिसका वॉल्यूम वी है टेम्परेचर टी है तो टोटल तो तो प्रेशर आप पी वी इज इक्वल टू जैसे गैस इक्वेशन के हिसाब से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था तो एन आर टी तो हम लिख ही रहे हैं लेकिन एन जो है नंबर ऑफ़ मोल्स जो है वो हम बता रहे हैं कि यहाँ जितनी गैसेज होंगी उतनी गैसेज का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे जैसे एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर प्लस एन फाइव एट्सेट्रा एट्सेट्रा ओके okay. एंड साथ में आप लिखेंगे चलिए ये तो एन का वैल्यू आ गया साथ में लिखेंगे आप आर टी दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गैशियस मिक्सचर ओके नेक्स्ट है बेटा यहां पे, एक्वस एक्वस्टेंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये डेल्टेंस लाफ पार्शल प्रेशर के साथ एक टर्म लिंक्ड है जिसका नाम है एक्वस टेंशन ये क्या है एक्वस टेंशन क्या होता है आपको पूछा जा सकता है तो आप यहाँ पे याद रखेंगे टेंशन इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर जब वाटर वेपर्स का जो प्रेशर बनता है वाटर के वेपर्स का जो प्रेशर एग्जर्ट होता है प्रेशर बनता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो उस वाटर वेपर के प्रेशर को हम टेंशन कहते हैं मैं एक बार आपको फिर से बता रहा हूँ द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द वाटर वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड यू कैन से एक्वस टेंशन ओके इट डिपेंड्स अपहन इट डिपेंड्स अपहन टेम्परेचर एक्वस टेंशन जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है ठीक है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है टेंशन सो सपोज दैट वी आर आस्क टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस अगर हमको एक ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है प्रेशर ऑफ़ अ ड्राई गैस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डैलटेंसला आर बाई डेल्टनसला यू कैन से वेन अ गैस इज कलेक्टेड आवर वाटर जब इस गैस को हम कलेक्ट करते हैं वाटर के ऊपर इट इज़ ऑब्जर्वड प्रेशर इज इक्वल टू द तो तब हम क्या एज्यूम करते हैं ऐसी सिचुएशन में इट इज़ देन ऑब्जर्वड दैट द प्रेशर इज़ Equal to the sum of the pressure of dry gas and the pressure of water vapors, that means aqueous tension. Then, in this situation, the pressure of dry gas, if you are asked, it is equal to the pressure of moist gas minus pressure of water vapors, that is aqueous tension. This is very important relation pressure of dry gas. प्रेशर ऑफ़ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ माइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन सो ये आपने थोड़ा बेटा याद रखना है कि ये एक्वस टेंशन क्या होता है तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक्वस टेंशन मीन्स द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द एक्वस टेंशन होप कि ये चीज़ भी आपकी क्लियर हुई नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पढ़ना है वह है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस या तो हम इसको सिंपल वे में कहते हैं या तो हम सिंपली इसको कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ठीक है या तो फिर हम इसको कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस मैं आपको ये ये बता दूंगा अभी कि हम क्यों इसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस कहते हैं लेकिन जनरल सेंस से अगर हम बात करेंगे तो हम इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं इसके जो पास्युलेट्स हैं बेटा या जो इसका ब्रीफ आवर व्यू है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का उस पर आपने थोड़ा सा देखिए दिस थ्योरी ऑफ गैस दैट मीन्स द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाज प्रपोज्ड बाय अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट ठीक है इट वॉज गिवन बाई अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट विच इंक्लूड क्लैश इनका नाम है क्लैशियस बोल्डसमैन बोल्ड्समैन पॉलिंग बर्नाली एटसेट्रा तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ़ गैस को दिया है लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को इनिशिएट किसने किया है स्टार्ट किसने किया था तो दिस थ्योरी वाज, इसमें आप ये भी लिखेंगे बेटा दिस थ्योरी वाज इनिशिएटेड बाय, दिस थ्योरी वाज इनिशिएटेड बाय बर्नौली बर्नौली एंड इन सेवनटीन हंड्रेड एंड थर्टी एट सेवेंटीन थर्टी एट में बरनाली से शुरू करते हैं एंड इट वॉज कम्प्लीटिड एंड इट वॉज कंप्लीटिड बाई एंड इट वॉज कंप्लीटिड बाई क्लैश इन एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेवन शुरू करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ़ गैस को बर्नौली ए 1738 में और इसको कंप्लीट इसकी फॉर्म में लाते हैं क्लैशियस uh, और वो भी 1857 में दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस तो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको कहूँगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ़ गैस को हम काइनेटिक मॉलिकुलर ऑफ थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस क्यों कहते हैं तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज काइनेटिक काइनेटिक मॉलीक्यूलर काइनेटिक मॉलीक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, बिकॉज दिस थ्योरी रिगार्ड्स दैट एज्यूम्स दैट एवरी गैस इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैविंग सीजलैस मोशन क्योंकि इस थ्योरी का मानना है कि हर एक गैस जो है वो स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स की बनी हुई है और उनका एक सीज लेस मोशन है सीजलेस का मतलब होता है नाह रुकने वाला जो स्टॉप नहीं होता कंटिन्यूसली मूविंग ठीक है चलिए ये हमने ब्रीफ ओवरव्यू बताया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अब बेटा इसके कुछ पॉस्टुलेट्स हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको जहन में रखने हैं सो लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पॉस्टुलेट्स आर एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस सो फर्स्ट जो पॉस्टुलेट आपके सामने है ए गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मानना है कि एक गैस के बहुत बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते यानी एक गैस जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई होती है कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स कहते हैं ठीक है दीज स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ गैस आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स एंड वन थिंग मोर ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ आ पर्टिकुलर गैस इसमें आप थोड़ा ऐड करेंगे ऑल द मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ आ पर्टिकुलर गैस पर्टिकुलर गैस का मतलब हो गया कि अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस में ही हम ये बात बता रहे हैं अगर आप ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन गैस में ही हम ये बात फिर बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि जो ये हम पॉइंट बता रहे हैं इस समय कि ये सारी गैसेस के लिए वैलिड है ठीक है ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए हम ये बता रहे हैं ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल यानी आप बताएंगे कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस के जो पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो आइडेंटिकल है नहीं 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 हम ये बता रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस के जो अपने मॉलिक्यूल्स अपने पार्टिकल्स होंगे जिससे नाइट्रोजन गैस बनी होगी वो आपस में आइडेंटिकल होंगे ऑक्सीजन गैस के जो अपने पार्टिकल्स होंगे जिससे ऑक्सीजन गैस बनी हुई होगी वो आपस में आइडेंटिकल होंगे बट गैस टू गैस वो वेरी करेंगे तो वही बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल आर आइडेंटिकल इन मास आर आइडेंटिकल इन मॉस एंड साइज दैट मीन्स यू आर यू कैन से दैट ऑल दॉलिक्यूल्स ऑफ आ पर्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टीज सच एज मास सच एज साइज बट बट डिफर फ्रॉम लेकिन वो डिफरेंट हैं डिफरेंट डिफर करते हैं फ्र हम गैस टू गैस ओके तो दिस वॉज फर्स्ट पास्युलेट ऑफ काइनेटिक थ्यूरी ऑफ गैस सेकेंड पार्सलेट इज़ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस देखिए बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का माना ये भी है ये भी है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं जिससे गैस बनी हुई होती है कि इनमें जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है वो लार्ज डिस्टेंस होता है मतलब ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं किसी भी पर्टिकुलर गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में फार अपार्ट होते हैं तो फार अपार्ट होने के कारण जो यहाँ पे ये बात मानी जाती है वो ये कहा जाता है कि वॉल्यूम ऑफ़ द गैस मॉलिक्यूल इज़ सपोज टू बी नेग्लिजिबल एज़ कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब अगर कोई गैस है उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे अगर आप किसी इंडिविजुअल पार्टिकल गैस मॉलिक्यूल इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करोगे तो वो नेग्लिजिबल मान रही है काइनेटिक थ्योरी कि वो कुछ भी नहीं है नेग्लिजिबल नथिंग किसके बनस्बत एज कंपेयर टू के अगर हम सारे गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करेंगे उसके बरक्स यानी सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को जब हम जन, देखेंगे ओवरऑल तो वो वॉल्यूम करेंगे लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस को हम देखेंगे तो वो कोई भी वॉल्यूम ऑकुपाई नहीं करता उसका वॉल्यूम जो है वो नेगेलिजेबल है ऐसा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मानना है नेक्स्ट पॉस्टुलेट है देयर इज कंटिन्यूअस रैपिड रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट जो पॉस्टुलेट हमारे सामने आ रहा है कि जैसे कि हमने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग तो सेम इज द केस ऐसा ही पॉसुलेट यहाँ हमको गैस या स्टेट ऑफ मैटर में गैस पार्टिकल्स किसी भी गैस के पार्टिकल किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में मिल रहा है कि देयर इज कंटिन्यूस रैपिड तेज करार मोशन और रैंडम रैंडम मीन्स कि कोई एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं कह सकते हो आप कि जब इस गैस किसी भी गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो कोई एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं रैंडमली वो किसी भी ऑल पॉसिबल पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में पर्टिकुलर नहीं बोलेंगे आप किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं कोई एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन उनकी नहीं होगी ठीक है द मोलिक्यूल्स कलाइड विद ईच अदर तो ड्यूरिंग दिस रैंडमाइजेशन ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन दी मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स द गैस मॉलिक्यूल स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं टकराते हैं एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एज वेल और जिस कंटेनर में ये गैस रखी जाए उस गैस उस कंटेनर की वॉल के साथ साइड के साथ भी ये कोलाइड करते हैं दैट इज़ कि यहाँ पे आप बताएंगे कि गैसेस एग्जर्ट प्रेशर

कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मानती है कि जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स अभी हमने पॉस्टुलट थ्री में कहा कि ये कोलाइड एक दूसरे के साथ भी करते हैं और जो कंटेनर होता है उसकी साइड उसकी वॉल से भी क्या करते हैं कोलाइड करते हैं और प्रेशर एग्ज करते हैं जिस समय ये ऐसा ऐसा कोलिजन इनके अंदर होता है तो उनमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी इनसे लॉस नहीं होती है क्योंकि वहाँ पर इस समय जब ये मोशन में होते हैं जब ये रैंडम मोशन किए हुए होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स तो उस समय उनमें काइनेटिक एनर्जी डिवल्पड होती है तो उस काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस इस समय नहीं होता है इस वजह से कि ये गैस मॉलिक्यूल स्मॉलर गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं परफेक्टली इलास्टिक होते हैं इनमें स्ट्रेचिंग नेचर होता है इनमें इलास्टिस्टिक इलास्टिक नेचर होने के कारण इनमें कोलिजन के दौरान कोई भी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं होता ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मानना है नेक्स्ट पॉस्युलेट इज देयर आर नो एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैश मॉलिक्यूल्स बेटा जब हमने ऊपर बताया कि जब ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एक लार्ज डिस्टेंस किए हुए होते हैं तो दिस देन कैन बी इमेज दैट देयर इज नेग्लिजिबल और यू कैन से देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस ये मानती है कि इन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है कि इतने ज्यादा लार्ज डिस्टेंसेज हैं इनके बीच कि हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि इनमें कोई अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट है तो काइनेटिक थ्योरी मानती है कि कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल्स में नहीं होती

गैस जो है इससे पहले भी हमने यह पढ़ा है कि गैस जो है वो प्रेशर बनाती है कंटेनर की वॉल्स पे स्ट्राइक करने के बाद जब वो कंटेनर को स्ट्राइक कंटेनर की वॉल्स के साथ साइड के साथ स्ट्राइक करती है कोलाइड करती है तो तब वो प्रेशर बनाती है तो ऐसा ही पॉस्टुलेट हमें यहां पे देखने को मिल रहा है द प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वो किसके कारण होता है इसका कारण क्या होता है इट इज ड्यू टू दम्बॉडमेंट ऑफ गैस बम्बॉडमेंट मीन्स कुल कोलिजिन बम्बॉडमेंट मींस कोलिजिन ठीक है टकरा जाना टकरा जाना गैस मॉलिक्यूल्स का कहां पे अगेनेस्ट वॉल्स ऑफ द कंटेनर ठीक है तो प्रेशर एग्जाइटेड बाई गैस इज ड्यू टू दम्बॉडमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स द वॉल्स ऑफ कंटेनर ये भी कैनेटिक थ्यूरी ऑफ गैस का मानना है नेक्स्ट और लास्ट पॉस्टुलेट हम इसका पढ़ेंगे बेटा द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पजेस डिफरेंट मोलिक्यूल यानी जब हम सपोज कीजिए कि जब हम यहां पे बात करते हैं बेटा ठीक है जब हम बात करते हैं कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली रैंडम मोशन किए हुए होते हैं अब आप हाँ बताएंगे कि सारे गैस मॉलिक्यूल्स की जो लासिटी है वो सेम है नहीं सारे गैस मॉलिक्यूल्स की विलासिटी सेम नहीं होगी नहीं हो सकती है द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पजेस डिफरेंट विलासिटीज एंड हैंस डिफरेंट एनर्जीज कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे उनकी विलासिटी भी डिफरेंट होगी और उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी एनर्जी भी उनकी सेम नहीं होगी एंड अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें वो किस पे डिपेंड करती है यू नो दिस फैक्ट ऑलरेडी दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब कि अगर हम सपोज करें कि एक कंटेनर लेते हैं इसमें कोई गैशियस मिक्सचर को स्टडी करते हैं इन गैस की अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी होती है नॉर्मली लेकिन जब हम इसको हीट अप करते हैं कंटेनर को तो गैस और भी ज्यादा फोर्स से अब मूव करने लगती हैं इन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में यानी इनकी एनर्जी बढ़ जाती है यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है किसके कारण इस टेम्परेचर के राइज होने के कारण यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी ही बढ़ती है और ये इस पर डायरेक्ट डिपेंड करती है और जब हम काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जब हम डिक्रीज टेम्परेचर जब हम डिक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी ही तब डिक्रीज होती है दैट इज़ वाई हियर वी से दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर अगर आप और कुछ पॉस्टुलेट बेटा इसके साथ ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड एंड यू कैन राइट दैट मीन्स एथ पॉस्टुलेट अगर आपने वो एड करना है तो जो ग्रेविटेशनल पुल है यह भी माना जाता है कैनेटिक थोरी यह भी कहती है कि द फोर्स ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ग्रेविटेशनल पुल ऑन द मॉलिक्यूल्स दैट मीन्स ऑन द गैस मॉलिक्यूल स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स इज नेगलिजिबल इज नेगलिजिबल मतलब ग्रेविटेशनल इतना छोटा मॉलिक्यूल है इतना छोटा मॉलिक्यूल है कि जिसका वॉल्यूम ही नहीं है जिसका वॉल्यूम नेगलिजिबल है और जब जिसका वॉल्यूम नेगलिजिबल है तो इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल पुल भी उस पर नेगलिजिबल है कि ग्रेविटेशनल पुल भी मॉलिक्यूल फील नहीं करता है ऐसा एज्यूम करती है ऐसा मानती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आर यू कैन से काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ आ गया हो लेकिन वो तभी मुमकिन है कि जब आप पूरे लेक्चर को ध्यान से फर्स्ट टू लास्ट देखा करेंगे तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए बेटा कंसंट्रेशन से देखिए डेफिनेटली आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपने कॉन्सेप्ट समझना है आपने इसको यूं ही ऐसे ही मजाक में नहीं लेना है किसी भी टॉपिक को ठीक है तो आज के लेक्चर में इतना ही लेकिन फाइनली आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर बेटा नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तो आज के लेक्चर में इतना ही गुड बाय Take care, stay fit and stay safe.